नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नरेश कौशल अर्थ प्रकाश की ओर से आपके लिए लेकर आया हूँ आज के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर प्रकाशित समाचारों की समीक्षा। और इसके साथ ही ये जो प्रमुख समाचार पत्र हैं इनके जो लोकल एडिशन हैं इन पर भी हम बाद में कुछ न कुछ चर्चा करें। तो चलो सीधे चलते हैं, पहले हम अर्थ प्रकाश को ही लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सीमा पर शांति की बहाली के प्रयास निरंतर जारी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान ने रशिया के साथ एक करार किया है हजारों करोड़ रुपए के फाइटर विमान देने का। ये समाचार अन्य प्रमुख समाचार पत्रों के भी पृष्ठों पर प्रकाशित हुआ है। और इसके साथ ही साथ लॉकडाउन में मुलाकात बंद होने के बावजूद नाभा जेल से 6 मोबाइल बरामद। अर्थ प्रकाश की जो विशेष खूबी है वो ये है कि ये संस्करण न केवल चंडीगढ़ में बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी जगह पर एक साथ पढ़ा जाता है। और इसके साथ ही देते हैं एक उपहार के रूप में ट्राई सिटी का 4 पृष्ठ का एक अन्य संस्करण, जिसमें आपको मिलती हैं मोहाली, पंचकूला और चंडीगढ़ के आसपास की खबरें एक साथ। भले ही आप फाजिलका हो, भले ही आप पलवल में हो और भले ही आप किसी दिल्ली के दूसरे इलाके में हो, तो इस तरह से अन्य समाचार पत्रों के मुकाबले में हमारा समाचार पत्र अर्थ प्रकाश जो है ये सभी जगह एक साथ एक जैसे समाचार चंडीगढ़ के समाचारों को मिलाकर देता है। तो इसके साथ ही अर्थ प्रकाश की जैसे मैं बात कर रहा था, शिवराज मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। इसमें खास बात यह है कि ज्योतिराज सिंधिया जो है उनको, जो कि कांग्रेस से शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको और उनके 12 अन्य विधायक सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। और एक रोचक बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ललकार लगाई है, क्या कहा है कि शेर अभी जिंदा है, यानी कि उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है। इसी के साथ अर्थ प्रकाश में जो बॉटम समाचार है वो मंथन क्रेडिट लाइन के नाम से दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने मनसा देवी जो बोर्ड है उसको दी 48 करोड़ रुपए की मंजूरी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह का दौरा रद्द। और इसके साथ आज के समाचार पत्रों में जो प्रमुखता की बात है वो ये है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो आने वाले 1.5-2 दशक तक और बढ़वा लिया है। ये समाचार भी काफ़ी रोचक दूसरे अखबारों में भी मिलता है। और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं दैनिक ट्रिब्यून। दैनिक ट्रिब्यून का लीड यानी कि प्रमुख समाचार जो है, जमीन से आसमान तक बढ़ेगी भारत की ताकत। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों के जो प्रस्ताव हैं उनको भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही सेकंड लीड के रूप में कोरोना के समाचार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में निरंतर कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता है। और जो भारत पहले 10वें-8वें नंबर पर था विश्व में, आज वो 4थे नंबर पर, ये कोई अच्छा समाचार नहीं है, 4थे नंबर पर आ गया है। और ऐसी आशंकाएं कि आने वाले कुछ दिनों में यह और भी ऊपर आ सकता है इसका दर्जा, यानी कि यह पहले या दूसरे दर्जे पर भी अमेरिका के बाद इसका नंबर आ सकता है। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा दैनिक ट्रिब्यून में पुतिन की खबर जो है, 2036 तक वो राष्ट्रपति बने रह सकेंगे, ऐसा कानूनी प्रावधान रशिया में किया गया। इसके साथ ही हवाई अड्डा घोटाले के समाचार संबंधित जीवी के ग्रुप के दफ्तरों पर छापे पड़े हैं। और इसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया है, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल शिवराज सरकार का जो विस्तार हुआ है उसमें जैसे मैंने बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 1 दर्जन सहयोगी सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह मिली।
अब रेलवे, जैसे हम पहले चर्चा करते रहे हैं कि मोबाइल ऐप जो है चीन की 59 हमने वो भारत में उनका जो संचालन है उस पर हमने प्रतिबंध लगाया है। अब इसके बाद नितिन गडकरी ने जैसे कल कहा था कि सड़कों के निर्माण में भी जो है चीनी कंपनियों को जगह नहीं दी जाएगी। अब आगे चलकर रेलवे तक भी बात आ गई। रेलवे में निजीकरण अप्रैल 2023 तक दौड़ सकती हैं प्राइवेट ट्रेनें, लेकिन इसमें भी चीन का जो हिस्सेदारी बढ़ने की बात थी या पहले से चलने की बात थी उस पर भी जो है कई तरह के जो प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दैनिक ट्रिब्यून के बॉटम सेपरेट समाचार में हम देखते हैं चीन को झटका देने के बाद लोकल हुआ वोकल। लोकल हुआ वोकल का मतलब अब यहाँ के जो ऐप हैं, जो यानी कि देशी ऐप हैं, उनको जो है वो ज़्यादा संचालित होने की तैयारी में। और उमा भारती ने खुद को बताया निर्दोष, कांग्रेस परो। ये जो अयोध्या प्रकरण का मामला कोर्ट में चल रहा था उसमें अयोध्या के जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद गिराने की बात थी उसमें आरोपित हैं अन्य लोगों के साथ उमा भारती। उन्होंने कोर्ट के अंदर बयान दिया कुछ और बाहर आकर कोई और बात की है। और इसके बाद हम बात करते हैं अमर उजाला। अमर उजाला ने भी जो लीड समाचार है, चीन से तालाब के बीच 12 सुखोई 30 और 21 मिग 29 खरीदे का भार, ये समाचार की मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। दूसरे समाचार पत्रों में भी है, यानी कि 38,900 करोड़ के जो हैं ये विमानों के जो पौधे हैं, रक्षा प्रस्ताव की जो मंजूरी है वो भारत दे चुका है रशिया से। ये एक समाचार इसमें जो कि अर्थप्रकाश में भी समाचार है, वो विवादास्पद ट्वीट वापरी, इसमें जो अनुपम खेर हैं फिल्म अभिनेता, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का जो एक दोहा है उसको तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया उसको लेकर उनके खिलाफ एक शिकायत हुई बात करते पास। उन्होंने खैर माफी मांग ली है। इस समाचार को जो है सेकंड रेट के तौर पर अमर उजाला ने प्रकाशित किया। और एक रोचक समाचार, हरियाणा के 2 हाईवे पर हो सकेगी विमान फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। ये समाचार सिरसा और हिसार के 2 बड़े हाईवे से संबंधित है, बड़ी सड़कें हैं वहाँ, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। यानी कि अगर चीन के साथ खुदा न खास्ता किसी तरह का द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, तो उन पटरियों को, उन सड़कों को विमान की पटरियों में बदलने की जो है एक प्रस्तावित योजना सरकार के विचार में है। अमर उजाला में ही उनकी जो बॉटम सेपरेट खबर है, हरियाणा में सतर्कता आयोग के गठन की तैयारी। और अब हम चलते हैं दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में कोरोना को लेकर विभिन्न भिन्न जो स्टेट हैं उनके उनकी क्या स्थिति है, कहाँ पे कितने मरीज ठीक हुए हैं, वो जिक्र जो है ऊपर 8 कॉलम के हेडलाइन में उन्होंने बताया है। इसके साथ ही जो मेन समाचार है, लीड समाचार, वो रूस से संबंधित है जो विमानों का सौदा है। और उसके बाद जो दूसरी समाचार इसमें दिया है वो कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुले। तो ये समाचार भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में भी है, लेकिन यहाँ इन्होंने प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया है। और इसके साथ ही अयोध्या में जो राम मंदिर भूमि पूजन का है उसमें मोदी को न्योता देने की बात भी इस समाचार पत्र के प्रथम दृष्टि पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में लद्दाख में चीन से तनाव के बीच सैन्य तैयारी तेज, ये समाचार दूसरे समाचार पत्रों में भी है। और इसके साथ ही ऐप पर बैन से बुखलाए चीन ने, WTO जाने की धमकी दी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो कहते हैं कि हम जाएंगे क्योंकि आज विश्व बाजार पूरी तरह से खुला है, उस पर कोई रोक जो पाबंदियां हैं वो बड़ी मुश्किल से लगाई जाती हैं। तो क्योंकि भारत ने 59 ऐप जो चीन के थे उन पर पाबंदी लगाई थी उसके खिलाफ वो WTO में जाने की उसने धमकी दी है। और इसके साथ ही हरियाणा के लिए शुभ समाचार,
520 मरीजों ने कोरोना को हराया, लेकिन इसके साथ ही 11 मरे की बात भी याद की है। और जागरण में बॉटम सेपरेट पे जो बड़ा समाचार नहीं है, लेकिन इसमें दिवाली पर स्वदेशी जगमगाहट की तैयारी जो है इसकी एक घोषणा जागरण ने की है। अब हम चलते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी में फिर रूस का समाचार, विमान सौदे की बात और शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार सेकंड लीड के रूप में ये समाचार यहाँ प्रकाशित किया गया। और इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद जो हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि चीन ना मानना तो अब होगी सर्जिकल स्ट्राइक, स्पेशल फोर्स पहुंची लद्दाख। और एक बड़ी रोचक बात, चीन ना केवल भारत के साथ बल्कि अपने भिन्न भिन्न पड़ोसियों के साथ पंगे पंगे लेता है, और नया पंगा जो है वो चीन के साथ, चीन ने जो है रशिया के साथ लिया है। रशिया का एक शहर है व्लादिवोस्तोक, और उस शहर के ऊपर भी जो है चीन ने अपना दावा ठोक दिया है कि 1800 में ये तो हमारे देश का हिस्सा था और बाद में ये रशिया में चला गया, ये सोवियत संघ में चला गया था। और इसी तरह से आपको जैसा मालूम है भारत के भी भिन्न भिन्न इलाकों पर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी वो अपना दावा निरंतर ठोकता चला रहा है। अब हम चलते हैं कि हिंदुस्तान ने ना केवल सड़कों, रेलवे और मोबाइल ऐप के मामलों में चीन को जो है अंगूठा दिखाने का प्रयास शुरू कर दिया है, बल्कि इसके साथ ही पावर सेक्टर में भी चीन को हाई वोल्टेज झटका, ये हेडिंग लगाया है पंजाब केसरी ने, जो पावर से संबंधित उनके हिस्सेदारी हिंदुस्तान की कंपनी में थी उस पर भी रोक लगाने की बात हिंदुस्तान की सरकार जो है वो करने जा रही है। अब चलते हैं अगली खबर, लॉकडाउन में हजारों करोड़ का नुकसान, झेल चुके रेलवे में नई भर्तियों पर रोक। ये हमारे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रोजगारी तो पहले ही नोटबंदी कहो या लॉकडाउन कहिए, इनकी वजह से बेरोजगारी का जो पहले से ही निरंतर जो दबाव बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ ही रेलवे में भर्तियों जो है उनमें कमी कर देगी ये भर्तियों में, ये शुभ समाचार नहीं। अब चलते हैं आगे, जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुशांत राजपूत ने मुंबई में अपने आत्महत्या की थी, उसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं और तरह तरह की चर्चाएं मुंबई में और हिंदुस्तान में चल रही हैं। उनको लेकर एक इंक्वायरी पुलिस कर रही है, जिसमें संजय लीला भंसाली को भी बांद्रा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अब हम चलते हैं, ये जितने भी समाचार पत्र हमने आपको अभी बताया इनके जो लोकल संस्करण हैं, स्थानीय संस्करण हैं, अब हम उनकी बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंडीगढ़ भाष्य। चंडीगढ़ भाष्य में प्रमुखता से समाचार है पंचकुला में किडनी पेशेंट 74 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत, ये दुखद समाचार। अन्य जो समाचार पत्र हैं उनके जो लोकल संस्करण हैं उनमें प्रमुखता से प्रकाशित हुआ। एक और समाचार, 3 साल की बेटी को कार में ले जा रहे पिता पर इनोवा सवारों ने चलाई गोलियां, इस समाचार को दूसरे भी संस्करणों में जो है लोकल उनमें जगह दी गई है, लेकिन कई जगह ये भी आशंका जताई गई है कि शायद वो कंकड़ से शीशा टूटा है, लेकिन जो कार में सवार व्यक्ति ने शिकायत की है उसने बताया है कि इनोवा फला फला रंग की इनोवा थी, लेकिन वो उसका नंबर नहीं बता पाए। अब मानसून की खबर, देखिए ये विधाता का कमाल है, ये प्रकृति की एक अनुपम लीला है कि मानसून की जो दस्तक है कुछ सेक्टरों में बता रहे कहीं अच्छी बारिश और कहीं पे सूखा, लेकिन अब ये समाचार मौसम विभाग ने दिया है कि असली राहत तो 4 दिन के बाद आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कम बारिश होने की वजह से जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग परेशानी में रहते हैं। एक और बड़े दुखद समाचार है कि बॉयफ्रेंड के सुसाइड के 10 घंटे बाद गर्लफ्रेंड ने भी फंदा लगाया, ये समाचार अन्य जो हमारे लोकल संस्करण हैं उनमें भी है। एक लड़के और लड़की जो किसी मोबाइल कंपनी में काम करते थे, पहले लड़के ने सुसाइड किया और उसके कुछ ही घंटों के बाद
लड़की ने भी जो है वो अपना जो है आत्महत्या कर ली। और एक खबर है गवर्नमेंट स्कूलों का 9वीं-10वीं में फंड माफ, 25,000 स्टूडेंट को होगा फाइन। अब हम चलते हैं चंडीगढ़ केसरी यानी कि पंजाब केसरी का लोकल संस्करण। अब प्राइवेट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर भी हो सकेगा कोरोना टेस्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण समाचार है कि प्राइवेट डॉक्टर भी अगर प्रिस्क्रिप्शन लगाते हैं तो कोरोना का टेस्ट वो संभव है। और पंचकुला में जो बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत की जो खबर है वो सेकंड लीड की तरह इन्होंने दी है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है। और बूंदाबांदी से और बड़ी उमस, ये आज की पोजीशन है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 दिन के बाद इससे राहत मिल सकती है। और कार पर फायरिंग की कॉल के लिए टूटा था पत्थर से शीशा, ये फिर वही समाचार विवादास्पद हो जाता है कि एक तरफ फायरिंग की बात, दूसरी तरफ ये जो है पत्थर लगने से शीशा टूटने की बात है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण समाचार जो लगभग सभी लोकल संस्करण में इन अखबारों के संस्करणों में दिया गया है वो है जो पेट डॉग्स हैं, जो पालतू कुत्ते हैं जो बाहर लोग लेकर घूमने निकलते हैं, शौच आदि की प्रक्रिया करवाते हैं, वो जो है पार्क में कुत्ता लेकर आने पर अब 5,000 रुपये होगा जुर्माना। तो प्रतिबंध तो पहले भी कई तरह की पाबंदियाँ लगाई गई थी, लेकिन जो रकम है जो जुर्माने की राशि है उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ये एक अच्छा समाचार है देश की, अपने प्रदेश की, अपने इस सुंदर शहर की जो पोजीशन है उसको बनाए रखने। अब हम बात करते हैं अमर उजाला का जो लोकल संस्करण है माई सिटी, इसमें भी पेट डॉग की खुले में शौक की खबर है और इसने जुर्माने की राशि 5,500 बताई। और कल से फिर सक्रिय हो रहा है मानसून, ये इनकी सेकेंड लीड है। फिर पंचकूला में वृद्धा की जो मौत उसका समाचार भी अन्य अखबारों की तरह प्रथम पृष्ठ पर इसका स्थान है। और उसी तरह मोबाइल कंपनी के जो मित्र थे, एक महिला और एक पुरुष, उनकी आत्महत्या का समाचार भी यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं जागरण सिटी जो कि दैनिक जागरण का लोकल संस्करण है, स्थानीय संस्करण है। 18 और लोगों को कोरोना, पंचकुला में पहली मौत। ये बात तो इम्पोर्टेंट है कि खबर तो दूसरे अखबारों में भी दी है लेकिन पहली मौत है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पेट डॉग को खुले में शौच करवाने पर अब जुर्माना लगेगा, ये समाचार मैं पहले बता चुका हूँ अन्य अखबारों में प्रकाशित हुआ। और अब अंत में हम बात करते हैं हमारे अत्यंत लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक अर्थ प्रकाश के लोकल संस्करण की ओर। जैसे कि मैं पहले भी चर्चा करता रहता हूँ कि ये ट्राई सिटी के नाम से जो हमारा स्थानीय संस्करण दैनिक अर्थ प्रकाश का प्रकाशित होता है, इसकी खासियत, इसका महत्व ये है कि इसमें मोहाली हो चाहे पंचकूला चाहे चंडीगढ़ हो, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की खबरें हो चाहे यहाँ के जो स्थानीय संगठन है, कोई सेवा संगठन है, कोई चैरिटी देने वाला संगठन है, उनके सभी समाचार पत्र जो यहाँ प्रकाशित होते हैं वहीं दिल्ली में पढ़े जाते हैं और वहीं उत्तराखंड में पढ़े जाते हैं, देहरादून में भी पढ़े जाते हैं और मनाली में भी पढ़े जाते हैं, और उसके साथ ही वो समाचार अमृतसर में भी पढ़े जाते हैं और बठिंडा में। या मेरा कहने का अभिप्राय कि देश के उत्तरी भाग में ट्राई सिटी जो है चंडीगढ़ की और आसपास की खबरें देने वाला एकमात्र अखबार है दैनिक भास्कर का। इसकी जो प्रमुख समाचार, जो पहला समाचार है, पंचकुला में कोरोना से पहली मौत, वीरवार को 10 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, मनीमाजरा में एक परिवार के 3 कोरोना पॉजिटिव, कितने विस्तार से कोरोना की जो समाचार है वो जो हमारा ट्राई सिटी है और दैनिक अर्थ प्रकाश का उसमें दिए। इसी तरह सुमेर सैनी पर एक केस चल रहा है जो बहुत चर्चित केस है पंजाब का, वो मुल्तानी परिवार के जो परिवार की ओर से किया गया है, उन्होंने मांग की कि एक जज जिसने सुमेर सैनी को एक अन्य 302 के मामले में राहत दी है, जमानत दी है, उस पर ऐतराज किया कि वो जज को बदला जाए। इनका केस जो मुल्तानी का अब उस जज के पास नहीं रह सकता जिसने एक अन्य केस में सुमेर सैनी जी को जो है वो राहत दी, तो इस तरह से वो जज का जो है ट्रांसफर जज बदल दिया। अब जो मैंने आपको बताया कि अभिनेता अनुपम खेर ने जो बयान दिया था गलत करके गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, उसको लेकर
जो युवा कांग्रेस है उसने बहुत बड़ा जो प्रदर्शन यहाँ पे किया है। अब ये समाचार जो है जो कांग्रेस का चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन है, इसको दिल्ली में कांग्रेस की हाईकमान भी इस खबर को पढ़ेगी, क्योंकि यही समाचार पत्र वहाँ भी जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अन्य संस्करण जो लोकल होते हैं वो चंडीगढ़ या आसपास ही रह जाते हैं, बाकी जगह वो समाचार नहीं जाते हैं। तो इसी तरह से प्रेमिका या प्रेमी ने फंदा लगाकर सुसाइड किया, जो वो समाचार भी प्रमुखता से प्राइस सिटी के प्रथम पृष्ठ पर है। और इसके साथ ही समय समय पर समाज की जो समस्याएं हैं, हमारी कॉलोनियों की, हमारे गांवों की, जो संघीय क्षेत्र चंडीगढ़ के गांव हैं, उनकी जो नागरिक सुविधाओं से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनको भी ये अखबार, ये समाचार पत्र प्रमुखता से उभारता है। आज जैसा कि पहले जो बॉटम स्प्रेड जो दिया गया है, नीम पत्थर तो रख देते हैं, विकास का पत्थर कब लगेगा, ये मलोया का समाचार है। नगर निगम ने वहाँ पे निर्माण शुरू किया था, नीम पत्थर जो खेल है, यहाँ की जो सांसद हैं उन्होंने वहाँ पे रखा, लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य ठप हो गया। इस समाचार को भी जो है हमने प्रमुखता से ट्राई सिटी में लिया है। और ट्राई सिटी के खास साथ ही जीरकपुर, जहाँ पे ढकोली है, ढकोली की कॉलोनी में बिजली उपभोक्ताओं के निकले पसीने, वहाँ पे बिना ही अघोषित काटिए निकले, बिना घोषणा किए हुए बिजली के कट लग रहे हैं और उनका बिजली का सामान खराब हो रहा है। इस समाचार को भी प्रमुखता से ट्राई सिटी में दिया गया। इसी तरह इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 17 MC वाली गली कंटेनमेंट जोन घोषित, पंचकूला का समाचार है। जैसा मैंने बताया जीरकपुर का समाचार, मलोया चंडीगढ़ का समाचार, और इसी तरह से आपको पंचकूला में इंदिरा कॉलोनी का समाचार। इसमें एक और प्रमुख बात जो है ट्राई सिटी में, इसके भीतर दो पेज और ऐसे हैं जिनका एक का प्रमुखता के नाम है भक्ति की शक्ति, और वो भक्ति की शक्ति का जो पृष्ठ है यानी कि धर्म संस्कृति का पेज है, वो हर रोज आपको छात्र नहीं मिलता है। अन्य अखबारों में धर्म संस्कृति का अगर कोई पृष्ठ विशेष रूप से प्रकाशित होता होगा तो वो एक दिन के लिए होता होगा। इसमें निरंतर सप्ताह भर आप भक्ति की शक्ति, जैसे आज प्रदोष व्रत, आज जाने भगवान शिव की कैसे करें पूजा, इस तरह के समाचार पत्र जो है, किस तरह विधि होती है, कैसे रस्म रिवाज होते हैं धर्मों, वो इसमें पूर्ण विस्तार से किया जाता है। और दूसरा पृष्ठ अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति में आज तो हम जो बड़े जाने माने पत्रकार हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, तो हम उनका जो है आलेख प्रमुखता से प्रकाशित कर रहे हैं। और इसी के साथ विविध में भी हम दुनिया की अद्भुत खबरें जो है ट्राई सिटी में प्रकाशित करते हैं। तो इसके साथ ही आज के प्रमुख समाचार पत्रों और उनके लोकल संस्करण की समाचारों की जो समीक्षा है उसका यहीं पे हम समापन करते हैं। और आप अपना ध्यान रखिए, एक बात चलती है, बड़ी प्रचार चलता है सोशल डिस्टेंसिंग, नो बिल्कुल नहीं, हमें सोशल इंटेग्रेशन करना है। हाँ, शारीरिक दूरी थोड़ी जरूर बना के रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवारों से, अपने बुजुर्गों से मिलजुल कर रहें, उनका आदर करें। धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।